नमस्कार दोस्तों, मैं लोकनाथ खनाल और आप सबको स्वागत करता हूँ मिस्टर टीचर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके सामने क्रिकेट न्यूज़ लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख करके साथ दीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विराट कोहली और उनकी टीम आईसीसी के सभी टूर्नामेंट को जीतने का दम रखती है। वेस्टइंडीज के दिग्गज लारा ने कहा कि सभी टीमों के निशाने पर रहती है टीम इंडिया। शिखर धवन और ईशांत शर्मा के बिना पंजाब से टकराएगी दिल्ली। मोहाली भारतीय ओपनर शिखर धवन और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा के बिना दिल्ली की टीम शुक्रवार से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी मैच में शीर्ष पर काबिज पंजाब से खेलेंगी। उसका लक्ष्य जीत का सिलसिला कायम रखने का होगा। हालांकि दिल्ली के लिए ये आसान नहीं है। पहले T20 के लिए गुवाहाटी पहुंची श्रीलंकाई टीम। अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के नेतृत्व में श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार को गुवाहाटी पहुंची। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बराबरी के इरादे से उतरेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम शुक्रवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट में बराबरी हासिल करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका के चोटिल एडन माक्रम की जगह ओपनर पीटर मलान को पदार्पण करने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैचों में धुएं से हो सकती है परेशानी। सिडनी न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के निराशाजनक दौरे पर अपना सम्मान बचाने को उतरेगी। पर्थ और मेलबर्न में पहले दो टेस्ट में न्यूजीलैंड को 4 दिन के अंदर करारी हार झेलनी पड़ी थी। सीरीज गंवाने के बाद में वो अब सम्मान बचाने की कोशिश करेगी। एनसीए को जल्द मिलेगा मेडिकल पैनल। नई दिल्ली भारतीय खिलाड़ियों की चोटों से निपटने में असफलता के कारण हाल में आलोचना का शिकार होने वाली राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए को जल्द ही बीसीसीआई मेडिकल पैनल में मदद मिलेगी। बीसीसीआई बेंगलुरु में स्थित सुविधाओं के लिए पोषण प्रमुख भी नियुक्त करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का क्रिकेट न्यूज़। आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के लिए विदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।